रहते सारे जहाँ पे पीछे उसके ऊपर बैठ बैठ के सारे टेंशन लगाते, दूसरे लगाते, सारा सामान इधर ले आके इधर फेंक देते, ऊपर से कोई आते वो फेंक। ये सुइयां यहाँ पे मौजूद हैं, ये सिरिंजेस मौजूद हैं। तवी का चौथा पुल, उससे पहले जब आप तवी के चौथे पुल की तरफ जाते हैं, ये एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज के नीचे आप देखिए दुनिया भर की दवाइयों के डब्बे हैं। लोकाजो लैक्सडोम सॉल्यूशन है, न्यूरोजाइड 250 एमसीजी टेबलेट्स हैं, उसके अलावा इटोकॉक्सिब के अलावा और भी दुनिया भर की टेबलेट्स, दुनिया भर के इंजेक्शन यहाँ हमें नीचे मिले। सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं मिले, अब हो सकता है कल कोई ये कहे कि जी स्ट्रेट लाइन टीम गलत जगह पहुँची है। ये आप देख सकते हैं, ये सुइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये सिरिंजेस मौजूद हैं और ये सिरिंजेस यहाँ फेंकी गई हैं, शराब यहाँ पी गई है, चिप्स के पैकेट यहाँ पर फेंके गए हैं। यानी साफ तौर पर ये वो जगह है जिस जगह पर नशा होता है। ये नशा कौन लोग करते हैं? पुलिस का नाका बिल्कुल सामने है, उस नाके के सामने ये सब कुछ होता है। और हो सकता है कल प्रशासन ये कहे कि जी आपने जो जगह दिखाई वो कोई कूड़ा फेंक रहा था, कोई कूड़ा नहीं फेंकता। यहाँ पर सिरिंजेस मौजूद हैं, यहाँ पर इंजेक्शन मौजूद हैं, यहाँ पर टेबलेट्स मौजूद हैं, यानी यहाँ पर नशे का सारा सामान मौजूद है। और ये सब कुछ नेहरू चौकी पुलिस पोस्ट जो है उस पुलिस पोस्ट के ठीक पीछे ये है। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, बेटा आप मुझे बताइए ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? ये जहाँ से कोई उधर से लोग आते, दूसरे आते सारे जहाँ पे पीछे उसके ऊपर बैठ बैठ के सारे टेंशन लगाते, दूसरे लगाते, सारा सामान इधर ले आके इधर फेंक देते, ऊपर से कोई आते वो फेंक। अच्छा, कोई नहीं पूछता इनको? नहीं, कोई नहीं पूछता। कभी पुलिस आई यहाँ पे? आई है, पर ऊपर से फोटो खींच खींच के लेके जाती, कुछ तो करते नहीं। बस फोटो खींच लिया और चले गए? बस। आप नशा करते हुए लोगों को देखते हैं यहाँ पर? नहीं, हम तो इधर बाथरूम दूसरा करते आते, तो कोई ऊपर बैठा होता, कोई इधर चुपके बैठा होता, बस वही देखते हैं। यानी आप जहाँ बाथरूम करते हैं वहाँ लोग नशा करते हैं? हाँ। ये आप सुन, आपका बेटा क्या नाम है? राजू। अच्छा राजू बेटा मुझे और बताइएगा, और उसके अलावा शराब भी पीते हैं लोग यहाँ आकर? शराब दूसरा बहुत पीते, इधर बोतला दूसरा ही बहुत पड़ी। अच्छा, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अब यहाँ पे तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आखिरकार क्या वजह है? क्या जम्मू पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? और अगर उन्हें पता नहीं तो ये बड़ा दुखद और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप जानते हैं साथ में कारोबार का हब है यहाँ पर, विक्रम चौक से यहाँ तक आने में कुल 1.5-2 मिनट का वक्त लगता है। और इस जगह पर इतनी सारी एजिडैक 500 mg, न्यूरोजाइड और उसके अलावा आपको इतनी सारे और इंजेक्शन और इतनी सारी और दवाइयाँ अगर यहाँ मिल रही हैं, शराब की बोतलें यहाँ पर हैं, इंजेक्शन यहाँ पर हैं, इतना सारा सामान यहाँ अगर यहाँ पर है, साफ तौर पर इसका मतलब है कि ये एक नशे का स्पॉट है। और ये नशे का स्पॉट ठीक पुलिस की नाक के नीचे है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, इस जगह को देखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के माध्यम जगह को देखना चाहिए, इस इन दवाइयों को, इन टेबलेट्स को देखना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ टेबलेट्स भी पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एजिडैक 500 टेबलेट है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन लैक्टिक एसिड बेसिलस है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला, सिरिंजेस की अवेलेबिलिटी, शराब की अवेलेबिलिटी, तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी, साफ तौर पर इस बच्चे का जैसे कहना है यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और प्रशासन कार्रवाई अगर कर भी रही है तो उसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर कम देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सिरिंजेस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, इंजेक्शन जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पता नहीं कितनी देर से पड़े हुए हैं, 2020 अगस्त के महीने में ये इंजेक्शन जो है एक्सपायर हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको सिरिंजेस मिलेंगी और उसके अलावा आपको यहाँ शराब की बोतलें मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं, ये शराब की बोतल। फोटो खींच खींच के चले जाते हैं, कुछ तो करते हैं। अच्छा, पुलिस एक बार फोटो खींचती है चली जाती है और फिर आ जाते हैं? अच्छा, मतलब नशा करने का ठीक ठाक यहाँ पर, यहीं पर नशा करते हैं। अच्छा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। और क्या, बंदे उन्हें तो पकड़ना चाहिए।